नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश के यूपी एडिशन में। और आज हम रुक करेंगे कुशीनगर का। कुशीनगर में आम जनता क्या चाहती है, कुशीनगर के विधायक से आम जनता कितना खुश है, आम जनता को भी जोड़ेंगे और मेरे सहयोगी संतोष भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कुशीनगर की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुशीनगर में कितना विकास हुआ है, कुशीनगर का हालचाल कैसा है वो जानेंगे, जनता किसके साथ है, किसको दरकिनार कर रही है ये हम जानेंगे और कुशीनगर की जनता आखिर क्या चाहती है इस बार ये हम जानने की कोशिश करें। लेकिन तस्वीरें देखकर ये कह सकते हैं कि सड़कें यहाँ पर पूरी तरह से सही नजर आती है, लेकिन रोजगार कितना मिला है, किसान कितना खुश है ये भी हम जानेंगे। मेरे सहयोगी संतोष मेरे साथ जुड़े हैं और आम जनता भी मेरे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले अपने सहयोगी का मैं रुख करूंगी। संतोष, कुशीनगर में विधायक जी से कितना खुश है आम जनता? विधायक रहे उन्होंने काम किया है, जो जेन्युइन काम थे वो नहीं हो पाया। संतोष, संतोष लग रहा है कुशीनगर में सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। संतोष आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, कट के आ रही है। संतोष हेडफोन हटा लीजिए, शायद तब आवाज क्लियर हो जाएगी। नहीं संतोष, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए कनेक्टिविटी की कितनी प्रॉब्लम हो रही है कुशीनगर में, कितना विकास हुआ है इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो चलिए कुशीनगर के बारे में कुछ आपको बता देती हूँ। 1994 में देवरिया जनपद से अलग होकर कुशीनगर जनपद के बना, इस दौरान कुशीनगर जनपद के हिस्से में नव चीनी मिलाई और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आम जनता मेरे साथ बनी हुई है। चलिए पहले अपने सहयोगियों से मुलाकात करें, उससे पहले इनसे हम मुलाकात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपका बहुत मैं स्वागत करती हूँ न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। चलिए सबसे पहले अपना नाम बताइए। तो आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की है इस वजह से। तो 2012 में धरा चीनी मिल बना, जिसके बाद कुशीनगर जनपद में कुल 10 चीनी मिल हो गई और इनमें से कुशीनगर जनपद में 5 चीनी मिल ही संचालित हो रही हैं। तो अंदाज़ा आप लगाइए कि 10 बनाई गई लेकिन 5 ही चल रही हैं, 5 ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं, जिसको लेकर नाराज़गी जो गन्ना किसानों में है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। देखिए कुशीनगर में अगर हम बात करें तो 80,000 हेक्टेयर में किसान गन्ना उत्पादन करते हैं। एक बड़ी ज़मीन पर गन्ना उत्पादन होता है। फैक्ट्रियों के बंद होने से 20,000 से 25,000 हेक्टेयर गन्ने की बुआई अब नहीं हो रही है, जिसकी वजह से परेशानी लगातार बनी हुई है। आम जनता कुशीनगर विधानसभा पडरौना की मेरे साथ बनी हुई है। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? जी नमस्कार, मैं उदयभान त्रिपाठी जी। चलिए सबसे पहले ये बताइए कि आप विधायक जी से कितना खुश है, क्योंकि विधायक जी तो अब दूसरी पार्टी में चले गए हैं। हमारे यहाँ तो अभी दल बदल ही सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, कौन किस पार्टी में रहेगा ये तो शायद चुनाव के लिए तय हो पाएगा। अच्छा, तो पडरौना को आप किस तरह से देखते हैं, कितना विकसित हुआ है पडरौना, क्योंकि आप भी काफी तजुर्बेदार लग रहे हैं देखने से। पडरौना की अगर बात करें तो 5 साल में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ जो होना चाहिए था। यहाँ कैबिनेट मंत्री सरकार में सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक थे, लेकिन शहर की समस्याओं की बात करें तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शहर की एकमात्र चीज जो यहाँ उद्योग का एकमात्र आधार है गन्ना, तो हमारी जो पडरौना शहर की चीनी मिल है वो भी बंद पड़ी है। यहाँ के किसानों को अपना गन्ना कसर पे बेचना पड़ता है। आवागमन का जो सबसे बड़ा साधन है यूपी रोडवेज, उसके बस स्टेशन पे अगर आप जाएंगे तो वो गड्ढा है। अच्छा,
5 साल में वो उसका कम से कम प्लेटफॉर्म तक नहीं बनवा पाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री थे, उसके बावजूद भी पडरौना विधानसभा का विकास नहीं करवा पाए। हुआ जितना होना चाहिए था, जो अपेक्षाएं थी यहाँ के लोगों की, उस अनुरूप काम नहीं हो पाया। तो अब तो वो सपा में चले गए हैं, विश्वास कितना है उन पर? अब क्या विश्वास जीत पाएंगे जनता का पडरौना की? मंत्री जी को खुद पे विश्वास नहीं था, इसीलिए तो दल बदल करते हैं। अच्छा, अगर खुद पे विश्वास होता तो अपनी पार्टी में कम रहते। कहीं कहीं उनको डर था कि जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा सत्ता में रहते। अच्छा, देखिए पडरौना की कुछ तस्वीरें हमने देखी है, क्योंकि आप वहां के निवासी हैं, बहुत बेहतर जानते होंगे हमसे। बस स्टेशन परिसर में बारात घर जो यहाँ पर बनाए हुए हैं, जहाँ शादी ब्याह होते हैं, वहां पर आए दिन पानी भरा रहता है, कितनी समस्या होती होगी? बस स्टेशन परिसर में जून से लेकर सितंबर तक, जब तक बरसात होती है तब तक बसें स्टेशन के अंदर बस नहीं पकड़ने जाती। आपको सड़क पे राष्ट्रीय जो मेन चौराहा है वहां खड़ा होकर बसों में चढ़ उतरना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और करते हुए 5 साल में तो थोड़ा सा भी प्रयास किया होता तो इस समस्या का समाधान हो जाता। तो प्रयास यहाँ पर कुछ नहीं किया गया इन 5 सालों में कुछ। तो आप क्या कह रहे हैं, इन 5 सालों में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ नहीं किया, 0 नंबर दे दें फिर? प्रयास हुआ होता तो रिजल्ट सामने होता ना, तो 0 नंबर दे दें। बिल्कुल, इस मामले में सड़क के परिवहन मामले में उनका नंबर 0 है। अगर उन्होंने प्रयास किया होता कम से कम उसका जो ग्राउंड लेवल है उसको उठाने के लिए कोई काम होता, कोई टेंडर होता, कोई प्रस्ताव होता, उससे कोई चर्चा होती, उससे तो चर्चा ही नहीं हुई। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, आप काफी ज्यादा इस वक्त राजनीति को एक अच्छे चश्मे से देख रहे हैं, पडरौना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो कांग्रेस नहीं बीजेपी में शामिल हो गए हैं, आरपीएन सिंह। जी जी बिल्कुल, वो अब कांग्रेस में नहीं है, लेकिन एक अच्छा दबदबा बताते हैं कि एक अच्छा दबदबा कुशीनगर में रहा है, काफी चर्चित हैं वो कुशीनगर में, जनता काफी पसंद करती है। बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी इस बार मैदान में होंगी स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने। ऐसी उम्मीद तो कम है, लेकिन अभी तो कहा नहीं जा सकता। तो फिर विश्वास आप लोग जताएंगे उन पर? किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, गाँव आया तो वोट तो करना ही करना है, तो मजबूरी है, एक तरह से मजबूरी मान सकते हैं, क्योंकि मतदाता को वोट डालना है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, वोट डालना है, तो हम ये स्थिति में है कि मजबूरी में किसी को मतदान करें। अच्छा, क्योंकि आरपीएन सिंह भी मंत्री थे, और मंत्री रहते हुए उन्होंने भी जो शहर की प्रमुख समस्या है, कोरोना में बड़ी रेल लाइन उनके जमाने में ही बनी, लेकिन 2010 में बड़ी रेल लाइन बनी थी, और हम 2022 में बात कर रहे हैं, तो पडरौना से दिल्ली के लिए रेल सेवा नहीं है। अच्छा, ये भी एक मुख्य समस्या है, गोरखपुर जाना पड़ता है ना, बड़ी लंबी लाइन लेने के लिए जाना पड़ता है। आप पूछिए कि हमारे जिले में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन हमारे पास दिल्ली के लिए ट्रेन नहीं है, हमारे पास मुंबई के लिए नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी, मैं आपका रुख करूंगी। एक और आम जनता जो है वो हमारे बीच जुड़ी हुई है, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, समस्या बड़ी है कनेक्टिविटी की, लेकिन जैसा कि अभी आम जनता को सुना आपने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिक्कत है, परेशानी है, मजबूरी है, वोट तो देना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को चुनना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता के सामने ऐसी मजबूरी क्यों आ जाती है, क्यों ऐसा होता है कि उन्हें मजबूरन ये कहना पड़ता है कि किसी ना किसी को तो हमें चुनना ही पड़ेगा। क्या आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। चलिए ठीक है, एक एक करके बोलिएगा। सबसे पहले जो चश्मे वाले भाई साहब है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले अपना नाम बताइए। समर प्रताप गो। चलिए ये बताइए कि पडरौना में आपको क्या पसंद है, क्या कुछ हुआ इन 5 सालों में पडरौना में जो आपको पसंद आया हो?
पटरौना में तो विशेष अभी 5 सालों में कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिसको पसंद किया जा सके। अभी बारिश होता है तो पटरौना के कई ऐसे सड़कें हैं जो बुरी तरह से जलमग्न हो जाती हैं। अच्छा। और आज भी थोड़े सी बरसात में भी एक पटरौना खिड़किया मार्ग है, उस मार्ग पे जाने में बड़े बड़े गड्ढे हैं और उस गड्ढे में इस प्रकार पानी लग जाता है कि गाड़ियों का चक्का मतलब चेसी तक पकड़ लेता है। तो सबसे बड़ी समस्या तो जो 5 साल तक मुख्यमंत्री जी ने गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाने का जो बात कहते आते थे उसको तो धरातल पर उतारा नहीं गया। तो कैबिनेट मंत्री भी आपके यहाँ से विधायक थे, उनसे भी कुछ नहीं हुआ? हाँ, विधायक थे, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। 5 साल लगातार कद्दावर मंत्री होने के बाद भी प्रदेश सरकार के, लेकिन कोई ऐसा विकास नहीं किया जिससे आम जनता का भला हो सके। ठीक। और यहाँ पे इसको चीज आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल नाखुश हैं। तो क्या सोचा है आप, क्या मन बनाया है? मन बनाया है अब आगे चुनाव आएगा जब विकास की जो बात करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा है चीनी मिल का। 10 मई 2014 को प्रधानमंत्री जब कुशीनगर में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि जब सरकार बनेगी तो मिल 25 या 50 दिन के अंदर मिल चलवाने का काम किया जाएगा। लेकिन आज 8 बरस बीत गए हैं, आज भी मिल बंद पड़ी हुई है और यहाँ का सबसे बड़ा जो रोजगार का साधन है किसानों का गन्ना, आज गन्ना किसान त्रस्त और मजबूरी में औने पौने रेट पे, या तो खेतों में गन्ने सूख गए हैं किसानों के और या तो वो औने पौने दाम पे गिराता है। अभी तक यहाँ चीनी मिल का कोई भी सुध नहीं ले पाया है किसी भी सरकार ने। तो सबसे बड़ी समस्या चीनी मिल की ही है पडरौना में? सबसे बड़ी समस्या चीनी मिल, हाँ सबसे बड़ी समस्या, पहली समस्या तो चीनी मिल की है। युवाओं के लिए कोई समस्या नहीं है? युवाओं को रोजगार मिल रहा है भरपूर कुशीनगर में? नहीं नहीं नहीं, युवाओं को, युवा तो रोजगार के लिए परेशान है। हाँ, दर दर युवाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है रोजगार के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी से जनता खुश नहीं है? नहीं, बीजेपी की जनता भी बहुत खुश नहीं है क्योंकि जनता को जो वादा किया गया था उसके अनुरूप अभी तक बीजेपी ने काम नहीं किया। चलिए ठीक, आप बीजेपी से खुश नहीं है या स्वामी प्रसाद मौर्य से खुश नहीं है? भाई स्थानीय विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ही थे। बताइए किससे खुश नहीं है, बीजेपी से? क्योंकि आप स्वामी प्रसाद मौर्य आप तो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो अब ये बताइए कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य से खुश नहीं है या बीजेपी से खुश नहीं है? भाई यहाँ का स्थानीय विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य है तो पहला आरोप तो उन्हीं के ऊपर लगना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जनता ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा था। विकल्प क्या सोचा है पडरौना की जनता ने, विकल्प क्या सोचा है? बीजेपी से आप लोग खुश नहीं है, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो विधायक है यहाँ के वो सपा में चले गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आरपीएन सिंह है वो बीजेपी में चले गए हैं, वो अच्छी यहाँ पर उनकी पकड़ थी, उनकी पत्नी मैदान में हो सकती है, क्या सोचा है फिर जनता ने? अब कौन मैदान में आएगा कौन नहीं आएगा, अभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहा है, लगातार दल बदल बना हुआ है कुशीनगर जनपद के नेताओं में, अब आगे क्या फिगर होता है ये तो जब नामांकन हो जाएगा उसके बाद ही क्लियर होगा। तो दावे वादे तो खूब प्रचार प्रसार के जरिए हो रहे हैं ना, तो अभी कुछ तो मन नहीं बनाया है? वादे तो हमेशा होते हैं लेकिन वादे पे खरा उतरना भी तो बहुत बड़ी चीज है। अभी आगे पिछले सरकारों ने भी वादा किया, इस समय भी वादाएं हो रही हैं, लेकिन आगे क्या होता है वो तो बात की बात है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, कुशीनगर से मेरे सहयोगी संतोष भी मेरे साथ बने हुए हैं। संतोष, देखिए कुशीनगर की जनता बिल्कुल खुश नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य से, लेकिन अब तो वो दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, दूसरी तरफ आरपीएन सिंह भी दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, तो ऐसे में जनता के सामने विकल्प कुछ नहीं है? अभी यहाँ टिकटों की घोषणा नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी की घोषणा हुई थी जो कि मनीष जायसवाल मंत्री जी को मिला था, लेकिन आज से जो भाजपा ज्वाइन करने के बाद यदि अपना इस्तीफा दे तो टिकट वापस करती है। कुछ जनपद में सात विधानसभा है जिसमें से अब तक 3 विधानसभा में भाजपा ने कुछ टिकट की घोषणा की है, तो अभी कुछ पटौना विधानसभा में बताया जा सकता है कि
जनता का क्या मन है, किसके तरफ जाएंगे। लेकिन संतोष पडरौना देखिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आरपीएन सिंह की मैं बात करूँ, बीजेपी आरपीएन सिंह को अपने पाले में ला चुकी है, कांग्रेस का दामन आरपीएन जी छोड़ चुके हैं, उनकी पत्नी मैदान में हो सकती है, तो ऐसे में क्या उनकी पत्नी पर विश्वास जताया जाए या फिर आरपीएन सिंह कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उसको देखा जाए, क्योंकि बीजेपी से तो नाराजगी है यहाँ पर लोगों की। नाराजगी तो है ही, जैसे जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उसका कोई काम नहीं है। वो किस मूलभूत समस्याएं किस तरह की, क्योंकि सड़कों पर बात हो गई है, चीनी मिल पर बात हो गई है, और किस तरह की समस्याएं हैं पडरौना की जनता को? पडरौना की जनता में सर जो इस समय जो 18 से 19 साल के जो नए युवा जुड़े हैं उनकी संख्या करीब 35,000 है। इस समय युवाओं के लिए कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया गया, कोई संख्या कल कारखाने नहीं लगाए गए, इससे युवाओं को रोजगार मिले, जिस तरह की युवाओं में यहाँ रोष है अपनी रोजगार के लिए। तो युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, कारखाने नहीं है, चीनी मिल जो है वो बंद पड़ी है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो किसानों के मन में क्या है, सबसे पहले बताइए कि किसानों के मन में क्या है, क्योंकि मुख्य समस्या कुशीनगर की यही है कि चीनी मिल जो है वो बंद पड़ी है, जिसकी वजह से गन्ना जो है वो बर्बाद हो रहा है किसानों का। जी, गन्ना यहाँ बर्बाद होता है, गन्ना तो यहाँ पर अगले बार तो हुआ था 2 साल पहले की कुछ लोगों ने गन्ना चीनी मिल और ना करने की वजह से गन्ने में आग लगा दी थी। संतोष मेरी आवाज मिल रही है? तो संतोष तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन यहाँ का जो आवाम है वो लगातार मेरे साथ बना हुआ है। एक और यहाँ पर हमारे साथ आम जनता जुड़ गई है। देखिए मैं यहाँ पर जानने की कोशिश कर रही थी आप लोगों से कि आप लोग कितने खुश हैं और इस बार आप लोगों ने क्या सोचा है, तो आप मुझे बताइए कि विकल्प आप लोगों के पास अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी अब तस्वीरें साफ हो रही हैं, क्योंकि समय अब बेहद कम बचा है। अगर विधानसभा चुनाव की जो वर्तमान परिस्थितियां इस पे आप चर्चा करवाएं तो मुझे लगता है कि मुद्दे पूरी तरीके से चुनाव से गायब, ना तो सरकार को खुद पे भरोसा है ना तो विपक्ष को खुद पे भरोसा है। मैंने पिछली बार जो बात कही कि वोट डालना हमारी मजबूरी है क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमको किसी किसी को चुनना ही, क्योंकि अगर सरकार विकास की बात करती है, 5 साल में सरकार ने विकास की बात की है, तो अभी सरकार के जितने शीर्ष नेता हैं कोई विकास के मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार नहीं। और जो मुख्य विपक्षी दल है जो 5 साल सरकार में रहे पहले, वो भी कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं। उसी नगर जिले की जब बात करेंगे तो यहाँ जितने भी प्रयास हुए विकास के वो व्यक्तिगत, किसी नेता ने अपने इलाके में कुछ सड़क अच्छी बनवा दी हो या किसी ने प्रयास करके एक आध विद्यालय खुलवाने का काम किया हो, लेकिन अगर नीतिगत रूप से बात करें कुशी नगर की जी, तो मुझे नहीं लगता कि पिछले 3-4 दशक कोई काम, 3-4 दशक में कुशीनगर में कुछ नहीं हुआ है, यानी हर पार्टी आती है लुभावने वादे करती है और चली जाती है। वो चीजें यहाँ डेवलप हुई हैं वो हमारी किस्मत से आ रही। अच्छा, मतलब लखनऊ से मुजफ्फरपुर फोरलेन बनी, वो सड़क कुशीनगर के बीच से ही होके जाती है, तो वो फोरलेन तो इनकी मजबूरी थी, बनाना था। अब उसका श्रेय लेने के लिए कोई खड़ा हो जाए कि हमने कुशीनगर को फोरलेन से जोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। 80 किलोमीटर का फोरलेन कुशीनगर से जुड़ता है। अच्छा, लेकिन वो स्टार्टअप पॉइंट नहीं है, वो कुशीनगर क्योंकि उसके बीच में है, वो बनना ही है, वो बनेगा ही। पडरौना में कोई अच्छा स्कूल, कोई मेडिकल कॉलेज या इसके अलावा कोई बड़ा अस्पताल? मेडिकल कॉलेज की संस्कृति है, अभी उसका निर्माण काम शुरू हुआ है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका ये सबसे बड़ा सेंटर है, इंसेफेलाइटिस का ये सबसे बड़ा सेंटर रहा है, कालाजार का ये सबसे बड़ा सेंटर रहा है,
और उनके उन्मूलन के लिए कुछ ऐसा स्पेशल इंस्टीट्यूशन कुशीनगर जनपद में अब तक स्थापित नहीं है जिसको कहा जाए कि इसने बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से तो बेहतर है कुशीनगर, स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर इसलिए जैसे इस सरकार ने पूरे यूपी के सभी जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर, तो जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में आपने कन्वर्ट कर दिया तो हमारा जिला अस्पताल में जो मेडिकल कॉलेज में हो जाएंगे। जिला अस्पताल के अलावा मेडिकल कॉलेज कुशीनगर में नहीं है। अच्छा, जिला अस्पताल को ही अपग्रेड करना है मेडिकल कॉलेज। एक बड़ा सैद्धांतिक सा मुद्दा है, आप अखबार से जुड़े हैं बेहतर जानती होंगी कि जिला अस्पताल में जो सुविधाएं थी उसको थोड़ा सा उच्चीकृत कर दिया है, कुछ डिपार्टमेंट बढ़ा दिए, कुछ डॉक्टर बढ़ा देंगे, उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो कोई स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि मुझे आम जनता जो है, आम जनता को इससे लाभ पहुंचता है नहीं पहुंचता है? एक छोटी सी बात, ठीक है अगर जिला अस्पताल के अलावा एक मेडिकल कॉलेज का अपना अलग इंस्टीट्यूशन खड़ा करते तो हमारे पास भविष्य के लिए दो बड़े अस्पताल। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी आबादी कुशीनगर जिले की आबादी 40 लाख को छू रही, हमारा नदी के किनारे का इलाका, भारत के अधिकांश पिछड़े जनपदों में शामिल है जनपद, तो हमको उस लिहाज से भी सुविधाएं मिली। हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दें, और यहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने बनाया उसकी कनेक्टिविटी अभी तक कहाँ है? दिल्ली मुंबई की एक फ्लाइट आई, वो आगे डेवलप करेगी तो हमारे लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमारे पास मूलभूत जो सुविधाएं कुशीनगर में होनी चाहिए जिसको देखने के लिए लोग आवे और हमारा पर्यटन उद्योग वहाँ बढ़े, इसके लिए क्या प्रयास? चलिए, आप लग रहा है कि बहुत बहुत बेहतर तरीके से सारी समस्याओं को आप देखते हैं, समझते हैं। क्या आम जनता आपस में बैठकर चर्चा करती है इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि अब तो चुनाव बेहद नजदीक है, हर चौपाल हर चौराहे पर चर्चा होती होगी। चर्चा हो रही जैसे चुनाव आया, अब आप चुनाव देखिए, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, कुशीनगर का चुनाव पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण का चुनाव। अच्छा, क्योंकि दोनों दलों को पता है कि मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। सत्ता पक्ष ने अपने 3 विधायकों का, सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया। अगर उनके एमएलए ने काम किया, अगर उस सरकार ने काम किया, तो फिर आपको अपने सिटिंग एमएलए का टिकट क्यों काटना? बिल्कुल, आपका वरिष्ठ मंत्री पार्टी छोड़ के चला गया क्योंकि उसको खुद पे भरोसा था, और दूसरी पार्टी का जो बड़ा नेता था वो भी अपनी पार्टी छोड़ के भाग गया क्योंकि उसको भी अपनी नीतियों पे भरोसा नहीं। तो जो हमारे नेतृत्व करता है जब उनको खुद पे भरोसा नहीं है तो फिर जनता तो कैसे भरोसा कर ले? सही बात है, बिल्कुल सही बात। दूसरे जो आम आदमी है, वहां के आवाम है, वो भी हमारे साथ बने हुए, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। देखिए, दूसरी तरफ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर आम जनता को क्या कुछ मिला है, जैसा कि अभी एक और मेहमान हमारे साथ बने हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष, किसी के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आप मुझे बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं, किन मुद्दों पर इस बार जो जनता है वो वोट डालने के लिए कोशिश करेगी? इस बार जनता रोजगार और सबसे बड़ी चीज तो यहाँ की सड़कें हैं, चीनी मिल, इन्हीं सब मुद्दों पर वोट करने का प्रयास करेगी। बाकी जो धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाते हैं तो उसके आगे सारे मुद्दे छिप जाते हैं और आगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही ध्रुवीकरण वोटों का हो जाता है कुशीनगर जनपद में। चलिए ठीक है, आप लोगों का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कुशीनगर में किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह के जो प्रत्याशी हैं वो कौन कौन से दावे वादे कर रहे हैं, ये बताने के लिए देखिए, हमने इतना समझा है कुशीनगर की पडराना विधानसभा को कि यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। खुद कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर विधायक रहे लेकिन पार्टी बदल ली, यानी कि उन्हें ना तो खुद पर विश्वास था और ना ही अपनी नीतियों पर विश्वास था, ये इल्जाम यहाँ का आवाम लगा रहा है। इसके अलावा जो आरपीएन सिंह बड़े नेता कांग्रेस
कांग्रेस के, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आम जनता विश्वास करे तो आखिर किस पर करे। तो 10 मार्च को पता चलेगा कि कुशीनगर की जनता ने आखिर किस मुद्दे को चुना, कौन से मुद्दों पर वोट डाला और किसके लिए उन्होंने यहाँ पर वोट डाला है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें और कल फिर हम लौटेंगे एक और विधानसभा के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर हालात कैसे हैं, वहां की जनता ने किसको चुना है, किसको नकारा है और किसको तैयारी की है गद्दी पर बिठाने के लिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।